हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज इस वीडियो में हम भारत के गवर्नर जनरल्स एंड वाइसराय के टेन्योर में हुए इम्पोर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, प्रीलिम्स 2021 अब ज़्यादा दूर नहीं है एंड काफ़ी सारे लोगों ने अब रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया होगा, इसलिए हमारे इस वीडियो का पर्पज मॉडर्न हिस्ट्री का क्विक रिविजन करवाना है। एंड क्योंकि यूपीएससी आजकल टाइमलाइन के बेसिस पे काफी क्वेश्चंस पूछती है, इसलिए इस वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट इवेंट्स को गवर्नर जनरल एंड वाइसराय के टेन्योर के हिसाब से डिवाइड किया है। इसके साथ ही हमने ये भी ध्यान रखा है कि ऐसे तमाम डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हम छोड़ देते हैं बट जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनको भी हमने मेंशन करने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज वॉरेन हेस्टिंग, जिनका टेन्योर था 1773 से 1785। अब इस स्लाइड में हम इनके टेन्योर में हुए इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखेंगे। फर्स्ट वन इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसके माध्यम से गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। देन एक्ट ऑफ 1781। इसके बाद 1781 में ही वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा एस्टेब्लिश किया था। देन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद फर्स्ट मराठा वॉर भी इन्हीं के टेन्योर में हुई थी 1775 से 82, और इसका एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 से। देन सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर भी इन्हीं के टेन्योर में हुई थी 1780 से 84, एंड फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी 1767 से 69 में। इसके अलावा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग ने अपनी टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको एक्सपेंड करने के लिए पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस का यूज किया था, जिसमें मुख्य रूप से अपनी टेरिटरीज को सेफगार्ड करने के लिए नेबरिंग फ्रंटियर्स को डिफेंड करना शामिल था। देन सेकेंड वन इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका टेन्योर 1786 से 1793 था। इनके टेन्योर में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1790 से 92, एंड इसका एंड होता है ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम से, जो कि 1792 में हुई थी। 1791 में जोनाथन डंकन बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करते हैं। देन 1793 में कॉर्नवालिस कोर्ट आता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से डील करना था। देन परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793, ये भी इन्हीं के कार्यकाल में आया था, जो कि रिवेन्यू कलेक्शन का एक सिस्टम था। इसके बाद सिविल सर्विस का इंट्रोडक्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में ही हुआ था। देन थर्ड वन इज सर जॉन शोरे, और इनके कार्यकाल में चार्टर एक्ट ऑफ 1793। देन 1797 में टीपू सुल्तान के द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल था 1798 से 1805। इनके कार्यकाल में सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। फोर्थ मैसूर वॉर हुई थी 1799 में। इसके अलावा 1800 में वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग देना था, बट इस कॉलेज को 1802 में बंद कर दिया गया था। इसके बाद सेकेंड मराठा वॉर, जो कि 1803 से 1805 के बीच हुई थी, वो भी इसी के कार्यकाल में हुई थी, एंड 1802 की ट्रीटी ऑफ वसई भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट वन इज सर जॉर्ज बार्लो, जिनका कार्यकाल था 1805 से 1807, एंड इसमें हमें केवल एक चीज याद रखनी है कि वेलोर म्यूटिनी 1806 में इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। देन लॉर्ड मिंटो वन, जिनका कार्यकाल 1807 से 1813 था, इनके कार्यकाल में 1807 में सिंध के आमीर्स एंड ब्रिटिश के बीच में ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप साइन हुई थी। इसके अलावा 1809 में रणजीत सिंह के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई थी। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड हेस्टिंग, जिनका टेन्योर 1813 से 1823 था, एंड इनके टेन्योर में एंग्लो नेपाल वॉर 1814 से 1816 वो हुई थी, एंड जिसका एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ सगोली से, जो कि 1816 में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1817 में राजा राममोहन राय ने डेविड हरे को सपोर्ट किया था, क्यों, ताकि वो हिंदू कॉलेज बना सके।
इसके अलावा थर्ड मराठा वॉर 1817 से 1819 के बीच में इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। इसके अलावा 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। इसके अलावा ब्रिटिश एंड पिंडारीज के बीच का इशू भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था 1817 से लेके 1818 में। देन पाइका रिबेलियन बहुत फेमस है, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। इसके अलावा 1820 में थॉमस मुंद्रो ने रियोतवाड़ी सिस्टम को एस्टेब्लिश किया था। फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की तीन सिस्टम थे, परमानेंट सेटलमेंट, रियोतवाड़ी सिस्टम एंड तीसरा था महलवाड़ी सिस्टम। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड एमहर्स्ट जो कि 1823 से 1828 के बीच में बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इनके टेन्योर में फर्स्ट बर्मीज वॉर हुई थी 1824 से 26 एंड इसका एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ यानडाबो के साथ। इसके अलावा 1825 में राजा राममोहन राय ने वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड विलियम बेंटिक जिनका टेन्योर 1828 से 1835 था एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इनके कार्यकाल में 1829 में सती प्रथा अबोलिश की गई थी। इसके अलावा 1830 में ठग्स को सप्रेस किया गया था। ये ठग्स वो लोग थे जो कि लोगों को लूटने का काम करते थे, उनको मारने का काम करते थे। इनके कार्यकाल में ठगी एंड डिकोइटी डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया था और इसमें बहुत ही फेमस नाम है विलियम हेनरी स्लीमैन, इनको इस डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट बनाया गया था। इसके अलावा 1833 का चार्टर एक्ट भी इनके कार्यकाल में ही पास हुआ था और इस चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को नई उपाधि दी गई थी, वो थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देन 1833 में लॉर्ड मैकॉले के नेतृत्व में लॉ कमीशन की स्थापना की गई थी एंड 1835 में लॉर्ड मैकॉले मिनट जिसमें एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात हुई थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड मैकॉफे जिनका टेन्योर था 1835 से 1836 एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें हम लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस के नाम से जानते हैं। 1935 में इन्होंने प्रेस पे रेस्ट्रिक्शंस को हटाए थे और एक नया प्रेस लॉ पास किया था। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड ऑकलैंड जिनका टेन्योर 1836 से 1842 था। अपनी टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी का यूज किया था जिसमें प्रोबेबल रशियन अटैक से बचने के लिए ब्रिटिश इंडिया की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी। देन फर्स्ट अफगान वॉर 1838 से 42 वो भी इनके कार्यकाल में होती है एंड 1838 की ट्राइपार्टाइट ट्रीटी जो कि रंजीत सिंह, ब्रिटिश एंड सिंध के आमिर्स के बीच में होती है ये भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड एलनबोरो जिनका कार्यकाल था 1842 से 1844 एंड इनके कार्यकाल में केवल एक इंपॉर्टेंट इवेंट है अनेक्सेशन ऑफ सिंध जो कि 1843 में हुआ था। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड हार्डिंगे वन इनका टेन्योर था 1844 से 1848। इनके टेन्योर में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो कि 1845 से 46 में हुई थी एंड जिसका एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ लाहौर से 1846। इसके अलावा इनके कार्यकाल में काफी सारे सोशल रिफॉर्म्स भी हुए थे, फॉर एग्जांपल फीमेल इन्फेंटिसाइड का अबोलिशन हुआ था एंड 1847 में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया था। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड डलहौजी जिनका टेन्योर था 1848 से 1856। इनके कार्यकाल में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 टू 49 एंड अनेक्सेशन ऑफ पंजाब 1849 में हुआ था। देन लोअर बर्मा या फिर पेगू का अनेक्सेशन 1852 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था जिसके अनुसार गोद लिया हुआ बेटा अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं होगा। देन 1854 का चार्ल्स वुड्स डिस्पेच वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था एंड 1853 के रेलवे मिनट एंड 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन जिसने बॉम्बे एंड थाने को कनेक्ट किया था वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने टेलीग्राफ एंड पोस्टल रिफॉर्म्स किए थे। 1949 में जेईडी बेथुने ने कलकत्ता में बेथुने स्कूल की स्थापना की थी। देन 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने गैंगेज कैनाल को ओपन डिक्लेयर किया था और हर प्रोविंस में सेपरेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया था। देन 1856 में ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से विडो रिमैरिज एक्ट पास हुआ था। देन 1853 में
बॉम्बे में फर्स्ट कॉटन मिल स्टेब्लिश हुई थी कोवासजी नाना भोए, एंड 1855 में रिशरा बेंगलोर में फर्स्ट जूट मिल की स्थापना हुई थी। देन इनके कार्यकाल में रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट 1856 जो कि एक कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट था उसको पास किया गया था। इस एक्ट के द्वारा हिंदू कस्टम्स को मॉडिफाई किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, रिलीजन चेंज करने के बाद भी पुत्र का अपने पिता की संपत्ति पे अधिकार बना रहेगा, एंड 1857 की रिवोल्ट का यह एक महत्वपूर्ण कारण था। देन लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1857 इनके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे में तीन यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश होती हैं 1857 में। देन जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 भी इन्हीं के कार्यकाल में पारित होता है, जिसके अनुसार अब सैनिकों को कहीं पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है। एंड इन सभी कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट की वजह से सैनिक सोल्जर्स वो नाराज थे, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की रिवोल्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ था, जिसमें अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय की उपाधि दी गई थी। एंड क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे, तो इसीलिए वो भारत के पहले वाइसराय बने थे, और उनका कार्यकाल रहा 1858 से 1862। देन 1858 में क्वींस प्रोक्लेमेशन के लिए इलाहाबाद में दरबार लगाया जाता है। इसमें इंडियंस के लिए काफी पॉजिटिव थिंग्स थी, जैसे कि अब एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन नहीं होंगे, साथ ही साथ जो नेटिव इंडियन प्रिंसेस हैं उनकी डिग्निटी एंड राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी। देन 1859 में व्हाइट म्यूटिनी बाय यूरोपियन ट्रूप्स। अब ये क्या था, जब 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, तब ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स क्राउन को शिफ्ट कर दी गई थी। इस चीज का सेक्शन ऑफ यूरोपियन ट्रूप्स जो कि कंपनी के लिए काम करते थे, उन्होंने विद्रोह किया था, इसी चीज को बोला गया था व्हाइट म्यूटिनी। देन 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट लाया जाता है, एंड 1860 में पुलिस कमीशन की स्थापना होती है, जिसका रिजल्ट होता है इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ 1861, एंड उसके बाद द आर्मी अमलगमेशन स्कीम 1861। ये सभी एक्ट इसलिए लाए गए थे ताकि दोबारा 1857 वाली रिवोल्ट ना हो। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड एल्गिन वन, जिनका कार्यकाल था 1862 से 1863। इनके टेन्योर के दौरान वहाबी मूवमेंट होता है, एंड सत्येंद्र नाथ टैगोर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1863 में ये पहले इंडियन थे जिन्होंने ICS इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा पास की थी। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड जॉन लॉरेंस, जिनका कार्यकाल था 1864 से 1869। इनके कार्यकाल में भूटान वॉर 1865, देन 1865 में ही कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में हाईकोर्ट सेटअप किए जाते हैं, एंड अपनी टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने जो पॉलिसी यूज की थी वो थी पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, जो कि फर्स्ट अफगान वॉर में जो डिजास्टर हुआ था उसका एक रिएक्शन थी। और इसमें दो चीजें शामिल थी, पहला कि फ्रंटियर की पीस को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, एंड सेकेंड कोई भी कैंडिडेट सिविल वॉर में फॉरेन हेल्प नहीं लेगा। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड मेयो, 1869 से 1872। इनके कार्यकाल में राजकोट कॉलेज खोला गया, एंड अजमेर में मेयो कॉलेज खोला गया, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडियन प्रिंसेस को पॉलिटिकल ट्रेनिंग देना। इसके अलावा स्टेटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था, देन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स को एस्टेब्लिश किया गया, स्टेट रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है 1873 में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का रेजोल्यूशन पास किया गया था। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जिनका टेन्योर था 1872 से 1876। इनके टेन्योर के दौरान 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट एडवर्ड भारत विजिट करने आते हैं, एंड पंजाब में कूका मूवमेंट भी इन्हीं के टेन्योर के दौरान होता है। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड लिटन, जिनका कार्यकाल था 1876 से 1880। इनके कार्यकाल के दौरान काफी सारी दमनकारी नीतियां अपनाई गई थी। 1878 में फेमाइन कमीशन या फिर स्ट्राजी कमीशन को अपॉइंट किया गया था। देन 1876 में रॉयल टाइटल्स एक्ट लाया गया था, जिसमें क्वीन विक्टोरिया को केसरे हिंद या फिर क्वीन इंप्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी, और इसके लिए दिल्ली दरबार लगाया गया था। देन मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सियल द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पास किया गया था,
जिसको गिगिंग एक्ट भी बोलते हैं, एंड इसमें प्रेस की आजादी पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, एंड इस एक्ट में इंग्लिश एंड वर्नाकुलर पेपर में डिफ्रेंशिएट किया गया था, एंड इस दौरान एसएन बनर्जी, सत्येंद्र नाथ बनर्जी ऐसे पहले भारतीय पत्रकार थे जिनको जेल की सजा हुई थी। देन सेकेंड अफगान वॉर 1878 से 80 वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी, एंड इसका एंड हुआ था 1879 में ट्रीटी ऑफ गेंडामार्क से। देन 1878-79 में लॉर्ड लिट्टन ने स्टेचुटरी सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस की थी। लॉर्ड लिट्टन ने अपनी टेरिटरीज को सेफगार्ड करने के लिए, उसे एक्सपेंड करने के लिए पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व यूज की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को सेफगार्ड करना था। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड रिपन, जो कि 1880 से 1884 के बीच में थे और इन्होंने काफी सारे अच्छे काम किए थे। सबसे पहले 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था। देन 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाया गया ताकि लेबर की कंडीशंस को इंप्रूव किया जा सके। इसके अलावा फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन को कंटिन्यू किया गया था, एंड 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेके एक रिजोल्यूशन लाया गया था, इसीलिए लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इसके अलावा 1882 में हंटर एजुकेशन कमीशन को अपॉइंट किया गया था, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है 1883 एंड 84 की इल्बर्ग बिल कंट्रोवर्सी, जिसमें सिविल सर्विस के इंडियन मेंबर्स को उनके यूरोपियन कलीग की समानी राइट्स एंड पावर देने की बात की गई थी, बट इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ। जो यूरोपियन लोग थे उन्होंने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया, एंड बाद में गवर्नमेंट को इस बिल में चेंजेस करने पड़े थे। इसी के माध्यम से इंडियन नेशनलिस्ट लोगों ने सीखा कि किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड एजुटेशन करने से हम अपनी बातें, अपनी डिमांड मनवा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड डफरिन, 1884 से 1888, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले थर्ड बर्मीज वॉर, जो कि 1885 से 86 में हुई थी, देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। इसकी स्थापना रिटायर्ड सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, एंड जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे वोमेश चंद्र बनर्जी। इसके अलावा 1886 में एचिसन कमिटी ऑन पब्लिक सर्विस को अपॉइंट किया गया था। फ्रेंड्स, ये सब कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड लैंसडाउन, जिनका कार्यकाल था 1888 से 1894। इनके कार्यकाल में फैक्ट्री एक्ट 1891, देन एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, जिसके अनुसार 12 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं हो सकती थी। इसके अलावा सिविल सर्विस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, इंपीरियल, प्रोविजनल एंड सबोर्डिनेट। उसके बाद 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया था। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 1893 की डूरेंड कमीशन की स्थापना, जिसका मुख्य उद्देश्य था इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में डूरेंड लाइन को डिफाइन करना। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड एल्गिन टू, 1894 से 1899। इनके कार्यकाल में 1897 में चापेकर ब्रदर्स दामोदर एंड बालकृष्ण के द्वारा 2 ब्रिटिश ऑफिशियल को मारा गया था। ये चापेकर ब्रदर्स तिलक के शिष्य थे और ये एक एग्जांपल था मिलिटेंट नेशनलिज्म का। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905। सबसे पहले 1902 में पुलिस कमीशन या फिर फ्रेजर कमीशन को अपॉइंट किया गया था, देन 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन या फिर रेलवे कमीशन को अपॉइंट किया गया था, देन 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट को पास किया गया था। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया गया। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पास किया गया। 1904 में एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट पास किया, एंड 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था। नेक्स्ट वन इज कर्जन किचनर कॉन्ट्रोवर्सी, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये किचनर कमांडर इन चीफ थे, एंड कर्जन और किचनर का एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया था। किस मामले में? काउंसिल के मिलिट्री मेंबर के स्टेटस को लेके। इस केस में कर्जन की बात को नहीं माना गया था और इससे नाराज होके उन्होंने रिजाइन कर दिया था। देन 1904 में कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में तिब्बत में एक मिशन भेजा गया था, एंड उसका एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ लहासा के साथ। देन लॉर्ड मिंटो टू, 1905 to 1910, इनके कार्यकाल में एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट काफी पॉपुलर था। 1906 में स्टेट ऑफ बड़ौदा ने
कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। देन 1907 सूरत सेशन में कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस से अलग हो गए थे। देन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान के द्वारा हुई थी। देन 1908 में रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन का अपॉइंटमेंट हुआ था। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड हार्डिंगे टू 1910 से 1916, इनके कार्यकाल में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी 1911 में, एंड 1911 में ही बंगाल के पार्टीशन को वापस ले लिया गया था। देन 1911 में ही भारत की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट कर ली गई थी, एंड 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। देन 1911 में ही किंग जॉर्ज फाइव के इंडिया आने पर उनका दरबार लगाया गया था। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 टू 1921, इनके कार्यकाल में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी एनी बसंत एंड तिलक के द्वारा। देन 1916 में कांग्रेस का लखनऊ सेशन होता है जिसमें एक्सट्रीमिस्ट फिर से कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। 1916 में ही कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट होता है जिसमें ये डिसाइड होता है कि दोनों मिलकर ज्वाइंट डिमांड रखेंगे गवर्नमेंट के सामने। देन 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना होती है। 1916 में ही चंपारण सत्याग्रह होता है। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है, एंड 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह होता है। देन 1917 में मोंटेगू का अगस्त डिक्लेरेशन आता है जिसमें वो भारत में सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करते हैं। देन 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जाता है, एंड द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सियल द रौलेट एक्ट 1919 वो भी इन्हीं के कार्यकाल में पास होता है। इस एक्ट के माध्यम से गवर्नमेंट को ये पावर दी गई थी कि वो बिना ट्रायल के लोगों को अरेस्ट कर सकती है, उनको जेल में डाल सकती है, उनको डिपोर्ट कर सकती है, और इसमें किसी भी तरह का राइट टू अपील किसी के भी पास नहीं होगा। इस रौलेट एक्ट के विरोध में पूरे भारत में प्रदर्शन होता है, एंड उसका रिजल्ट था 1919 का जलियांवाला बाग मसाकर। देन 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया, खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया गया, एंड 1917 में ही सेडलर कमीशन को अपॉइंट किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था कि एजुकेशन पॉलिसी में किस तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए। देन अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एसपी सिन्हा को बिहार का गवर्नर अपॉइंट किया गया था, और ये पहले भारतीय थे जो कि गवर्नर बनाए गए थे। देन 1920 में AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड रीडिंग 1921 टू 1926। सबसे पहले 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट होता है, और उसका रिजल्ट क्या था कि गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लेते हैं। देन 1921 का मोपला रिबेलियन भी इसी कार्यकाल में हुआ था। 1910 के प्रेस एक्ट को रिपील किया गया, रॉबर्ट एक्ट को भी रिपील किया गया था। देन HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या फिर एसोसिएशन के द्वारा लखनऊ में काकोरी ट्रेन रॉबरी को अंजाम दिया गया था 1925 में। देन 1922 में ही CR दास एंड मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी को एस्टेब्लिश किया गया था। इसका रीजन क्या था, क्योंकि ये चाहते थे कि कांग्रेस लेजिस्लेटिव असेंबली का बॉयकॉट वापस ले ले, बट कांग्रेस ने ऐसा करने से मना कर दिया गया था। तो 1922 के गया सेशन में CR दास एंड मोतीलाल नेहरू दोनों ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। देन यह भी डिसीजन लिया गया कि इंडियन सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन अब दिल्ली एंड लंदन दोनों ही जगह में होंगे, और ऐसा 1923 से स्टार्ट किया जाएगा। देन 1924 में ली कमीशन को अपॉइंट किया जाता है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडियन सिविल सर्विस में क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड इरविन 1926 टू 1931। सबसे पहले 1928 में साइमन कमीशन भारत में आता है जिसका हम लोग विरोध करते हैं। देन 1928 में नेहरू रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसमें मेन प्रोविजन थे लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस डोमिनियन स्टेटस। देन 1927 में ही हरकट बटलर इंडियन स्टेट कमीशन अपॉइंट होता है। देन इस फेज में काफी सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स को मार दिया गया था, दिल्ली असेंबली हॉल में बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, इसके अलावा दिल्ली में ही ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था 1929 में। देन द फेमस लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929 जिसमें पूर्ण स्वराज यानी
कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। देन 1929 में हटो कमिटी की स्थापना की गई थी और इसका मेन उद्देश्य था एजुकेशन। उसके बाद 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च के द्वारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था एंड 1929 में ही लॉर्ड इरविन ने दीपावली डिक्लेरेशन भी दिया था। देन 1930 में शारदा एक्ट आता है जिसमें बॉयज की शादी की उम्र 18 साल पे फिक्स की थी एंड गर्ल्स के लिए ये उम्र थी 14 साल। देन 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस बॉयकॉट करती है। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है एंड इसके साथ ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। एंड उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट कराची सेशन ऑफ 1931 जिसे वल्लभ भाई पटेल ने प्रिसाइड किया था और इसमें फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके रिजोल्यूशन पास किए गए थे। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड विलिंगडन 1931 to 1936। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है बट वह फेलियर था एंड उसके तुरंत बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। देन 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड अनाउंस करते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट को प्रोवाइड करना था। इसके विरोध में गांधी जी येरवाड़ा प्रिजन में फास्ट अंटू डेथ करते हैं। देन 1932 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पूना पैक्ट साइन करते हैं जिसका मेन प्रोविजन यह था कि डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट अलाउ नहीं किए जाएंगे। देन 1932 में ही थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। देन 1933 में इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होता है एंड सबसे लास्ट में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया जाता है। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की जाती है, वहीं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की भी स्थापना होती है बाय आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण 1934 में एंड 1935 में बर्मा इंडिया से सेपरेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड लिलिथगो 1936 to 1944। इनके कार्यकाल में पहले जनरल इलेक्शंस होते हैं जिसमें कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलती है। देन 1937 में कांग्रेस वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन अनाउंस करती है और इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है जाकिर हुसैन कमिटी। देन 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है तो कांग्रेस के मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। वहीं 1938 में हरिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है बट 1939 में त्रिपुरी सेशन में वो रिजाइन कर देते हैं एंड अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं। देन मार्च 1940 में मुस्लिम लीग लाहौर रिजोल्यूशन पास करती है जिसमें वो सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम डिमांड करते हैं। 1940 में अगस्त ऑफर दिया जाता है बट इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कांग्रेस के द्वारा। इसमें मुख्य रूप से डोमिनियन स्टेटस एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें मेनली इंडियंस होंगे ऐसी बातें कही गई थी। 1940 में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल इलेक्ट होते हैं। देन 1941 में सुभाष चंद्र बोस इंडिया से एस्केप कर जाते हैं एंड इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन करते हैं। देन मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा जाता है और यह भी डोमिनियन स्टेटस एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करने की बात करता है बट इसको कांग्रेस रिजेक्ट कर देती है। देन 1942 में कांग्रेस क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास करती है और जब सारे नेशनल लीडर अरेस्ट हो जाते हैं तब 1942 में ही अगस्त रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है जिसमें काफी सारी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज होती हैं, पहले गवर्नमेंट्स बन जाती हैं। देन 1944 में मुस्लिम लीग कराची सेशन में डिवाइड एंड क्विट का स्लोगन पास करती है एंड 1944 में ही एजुकेशन के लिए सर्जन प्लान अनाउंस होता है। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड वॉगल 1944 to 1947। इनके कार्यकाल में सबसे फर्स्ट चीज है सी राजगोपालाचारी सी आर फॉर्मूला 1944 जिसका मुख्य उद्देश्य था कि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग आपस में कोऑपरेट करें। देन 1944 फेलियर ऑफ गांधी जिन्ना टॉक्स एंड इन 1945 देर वॉज वॉवेल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस। देन इन 1945 पूरे देश में आईएनए एजुटेशन होता है, रॉयल इंडियन नेवी की रिवोल्ट होती है एंड 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है। देन 1946 में
कैबिनेट मिशन के प्रपोजल को कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है, जिसमें बेसिकली पाकिस्तान की डिमांड को खारिज किया जाता है एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मूला दिया जाता है। इसके जवाब में मुस्लिम लीग 1948 में डायरेक्ट एक्शन अनाउंस करती है और इसके बाद लार्ज स्केल दंगे स्टार्ट हो जाते हैं। देन सितंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं एंड 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली भारत में ब्रिटिश रूल एंड होने को अनाउंस करते हैं। लास्ट वन इज लॉर्ड माउंटबेटन 1947 to 1948। इनके कार्यकाल में जून 3rd प्लान अनाउंस किया जाता है। इसमें कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे? फर्स्ट, फ्रीडम विद पार्टीशन, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर विद डोमिनियन स्टेटस। इसके अलावा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इंट्रोड्यूस होता है। देन बंगाल एंड पंजाब के पार्टीशन के लिए दो बाउंड्री कमीशन सर रेडक्लिफ के नेतृत्व में अपॉइंट किए जाते हैं एंड देन 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिलती है विद पार्टीशन। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।